बिना अन्य किसी भूमिका के सीधा विषय पर आते हैं। राजशास्त्र वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्राचीन भारतीय राजशास्त्र की प्रासंगिकता, ये हमारा गोष्ठी का विषय है। राजशास्त्र से तात्पर्य है राज्य व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था विषय विधि निषेधों का शास्त्र। इसके दो प्रधान पक्ष माने जा सकते हैं, प्रशासन की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट और प्रशासन संबंधी नीतियां प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस, तथा दूसरा इसका एक पक्ष हो सकता है, विशेष पक्ष है, न्याय व्यवस्था लीगल सिस्टम, जिसमें लीगल प्रिंसिपल ज्यूरिसप्रूडेंस को भी हम इंक्लूड करेंगे, शामिल करेंगे। न्याय तंत्र एवं प्रक्रिया, जिसे हमारे राजशास्त्र में व्यवहार मात्रिका कहा गया है, और आपराधिक कृत्यों का लक्षण और वर्गीकरण, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम्स और एक्शन विच आर एक्शनेबल, इसे व्यवहार पद कहा जाता है। शास्त्र की शब्दावली में इसे व्यवहार कहा जाता है। तो व्यवहार समेत राजशासन जो है वो समग्र राजशास्त्र का विषय है। एक क्षण के लिए मैं अपने पत्र से हटूंगा और यहाँ जो विद्वान बैठे हैं उनके समक्ष एक निवेदन विशेष रूप से करना चाहता हूँ कि देखिए, धर्मशास्त्र और राजशास्त्र के विषय में भारत में बहुत विचार चिंतन हो रहा होगा, हो रहा है, लेकिन एक बड़ी विडंबना हमारे सब शास्त्रों की नाम ये है कि भारत के विद्वानों को वो रिकग्निशन नहीं मिलती, वो मान्यता नहीं मिलती जो कि विदेशी विद्वानों को मिलती है। और विदेशों में इस विषय पर काम करने वाले बहुत लोग इस समय सक्रिय हैं। एक पूरी परंपरा जो इंग्लैंड के जेडीएम डायरेक्ट से शुरू हुई और आज तक अमेरिका में वो चली, पैट्रिक वॉलेबल काम कर रहे हैं, डोनाल्ड डेविस जूनियर काम कर रहे हैं। अभी डोनाल्ड डेविस जूनियर ने कल अभी कुछ ही दिनों पहले पूरी पुस्तक प्रकाशित की जिसमें इसी बात पर लगे हुए कि नहीं, भारत में लॉ तो था ही, इट वॉज नॉट लॉ। अब ये अजीब विचित्र सा दुराग्रह और दुर्भाग्य हमारा यह है कि यही परंपरा सारे विश्व में प्रचारित होती है, क्योंकि वही विदेशों में बैठकर पढ़ाते हैं, उन्हीं के छात्र फिर आगे पढ़ते पढ़ाते हैं, वही जो तथाकथित एक बौद्धिक तंत्र है उस पर उनका कब्जा है, अगर मैं शब्द का प्रयोग करूं तो, उन्हीं के मंतव्य सारे में प्रचारित होते हैं। इसलिए जो अकादमी ने ये एक आयोजन किया, राजशास्त्र का भारतीय चिंतन क्या है, भारतीय पक्ष क्या है, ये पक्ष हम कैसे और लोगों के सामने ले जा सके, इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण बात रही। भारतीय इतिहास के अभी तक उपलब्ध प्रथम स्रोत वेद हैं, किंतु उनमें राजनीतिक मामलों में विधायकता का तत्व नहीं है। तथापि इस गोष्ठी में वैदिक वाङ्मय का विवेचन सार्थक होगा, क्योंकि उसी से उत्तर वैदिक काल के आधुनिक राज्य के उदय की पृष्ठभूमि को समझा जा सकेगा। अब ये भी एक पूरी परंपरा है कि विश्व में सभी संस्थाओं का उदय और विकास आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप होता है, अचानक अकारण कुछ नहीं होता। चलिए मानते हैं, मानवीय सभ्यता के विकास का अध्ययन करने वाले विद्वान कहते हैं कि आखेट युग के बाद की सभ्यता के आरंभिक काल में तथाकथित आधुनिक राज्य के विकास के लिए अनुकूल स्थितियां नहीं थी। एक सरल कबीलाई पशुपालक और अधिकांशतः घुमंतू समाज था, जिसमें राज्य के पोषण के लिए आवश्यक उत्पादन अधिशेष सरप्लस मनी सरप्लस नहीं था। तब तक कबीले का सरदार ही अनुशासन बनाए रखता था। कुछ समय बाद जब समाज कृषि की ओर प्रवृत्त हुआ, जीवन में स्थिरता आई, ग्राम बसे और जमीन पर मालिकाना अधिकार की अवधारणा प्रबल हुई, अनेक व्यवसाय विकसित हुए, संपत्ति बढ़ी, संपत्ति को लेकर विवाद बढ़े, तब जाकर समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक ऐसी शक्तिशाली व्यवस्था की आवश्यकता हुई जो स्वयं में एक विलक्षण और व्यापक व्यवसाय ही बन गई। यही राज्य है। यह राज्य लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है और उसके बदले लोगों के विवाद सुलझाने और उसके लिए बल का प्रयोग करने जैसी कुछ शक्तियां हम राज्य को दे देते हैं, कि ये स्वयं राजकार्य चलाने वाले राजा और उसके समस्त तंत्र के लिए हम आवश्यक धनराशि भी देते हैं। जैसे जैसे समाज में तकनीकी और सामाजिक जटिलताएं बढ़ती गईं, वैसे वैसे राज्य का स्वरूप भी बदलता गया। वनों, खेतों, खानों के दोहन, लघु उद्योगों के बढ़ते हुए लाभ से पुष्ट विशाल विलासिता पूर्ण जीवन से भरे समृद्ध नगरों की अर्थव्यवस्था ने ही इस विशाल और जटिल राज्य का उद्भव किया है। मुझे इस मूल सिद्धांत के मूल प्रमेयों से कोई आपत्ति नहीं है, पर प्राचीन भारत के संदर्भ में एक मौलिक समस्या ये आती है,
कि भारत के इतिहास के किस बिंदु पर इस विकास की यात्रा के किस पड़ाव को जोड़ा जाए। हमारा देश भारत कई हजार वर्षों से एक विकसित समाज रहा है। यूं तो हमें पता नहीं कि वेदों की रचना कब हुई, पर आज से कम 4000 वर्ष पहले असंख्य वेद मंत्र रचे जा चुके थे। ये मानने में तो बड़े बड़े कट्टर इतिहासविदों को भी कोई आपत्ति नहीं होती, पर वेद के मंत्रों के अर्थ की दुर्गता से क्षुब्ध होकर या सायण आदि पारंपरिक भाष्यकारों के अर्थों से प्रभावित होकर आरंभिक वैदिक काल को अविकसित अल्पविकसित समाजों की श्रेणी में रख देते हैं, फिर इसी मान्यता के अनुरूप मंत्रों के अर्थ करते हैं और उसी के अनुरूप सामाजिक राजनीतिक दार्शनिक संस्थाओं के स्वरूप का निरूपण करने वाले विद्वान ऐसा करते हैं, तो भारत के विद्वानों के सामने बड़ी भारी चुनौती है। तथापि उस काल के पुरातात्विक अवशेष न मिलने से और वेद के शब्दों के विषय में बहुत लोग मनमानी कर लेते हैं। पर फिर भी मैं इतना संकेत अवश्य करना चाहता हूँ, जो आगे विद्वान इस विषय में अधिक विस्तार से बोलेंगे, कि ऋग्वेद के सूक्तों में भव्य राजा के दर्शन होते हैं। ऋग्वेद के तथाकथित आरंभिक भाग की राजनीतिक शब्दावली बहुत समृद्ध है। उसमें अनेक गणों विषयों जनों की चर्चा है जो राजनीतिक दृष्टि से संगठित समुदाय हैं। ऋग्वेद में राजवंशों के निरूपण से स्पष्ट है कि आनुवंशिकता के आधार पर राजपद प्राप्त होने का सिद्धांत जड़ पकड़ चुका था। यदि यह सिद्धांत सत्य है कि काव्य समाज का दर्पण होता है, तो देवताओं के लिए भोजनस्य दिवस्य दिव्यस्य राजा पार्थिवस्य जगतः अतिविश्वम ववक्षितः पतिर्वभूथा समो जनानाम एको विश्वस्य भुवनस्य राजा, यह आदि प्रयोग निश्चित रूप से समाज में विद्यमान शक्तिशाली एवं विशाल राज्यों के अधिपतियों को देखकर ही कवियों के मन में आए होंगे। यदि समाज में ऐसा न होता, तो अगर हम इतिहासकारों के ही सिद्धांत को लेकर चलें, यदि समाज में ऐसी व्यवस्थाएं न होती, तो वो देवता के विषय में ऐसी कल्पनाएं नहीं कर पाते। मित्र वरुण के हजार खंभों हजार दरवाजों के महल का उल्लेख देखिए। ध्रुवे सदस्योत्तमे सहस्र सुवर्ण आसते, मैं कहता हूँ उसमें बड़ी अतिरंजना है, खूब अतिशय उसके हजार खंभों का घर नहीं था उसका, कोई बात नहीं, पर किसी विशाल भवन की सत्ता तो आप मानेंगे इसमें, क्या यहीं पर एक समृद्ध राजा के दर्शन नहीं होते? अब आप कहते हैं जब तक विशाल राज्य नहीं होगा, जब तक धन नहीं होगा, जब तक उत्पादन विशेष नहीं होगा, तब तक राज्य नहीं होगा। तो ये क्या है, एक राजा के भूरी दान का वर्णन है। उस राजा ने एक ऋषि को 100 अश्व 100 गौवे दी, फिर सत्र के अंत में 60,000 गौवे और दासियों से युक्त 10 रथ दिए, फिर मोतियों से सजे 40 भूरे रंग के घोड़े दिए, फिर 10 रथ दिए, फिर 1,000 गाय दी। इसमें कितनी अतिशयोक्ति होगी, होने दीजिए, राजा इतना दे या न दे, पर इतना तो समझ में आता है कि राजाओं के पास इतना अधिशेष सरप्लस था अवश्य जिसकी आप बात कर रहे हैं। इसलिए ये किसी कबीले या गांव के किसी अकिंचन सरदार छोटे मोटे सरदार का पैसा नहीं है, इतनी अतिरंजना करके उसको कभी इतना ऊंचा नहीं उठा सकता। यदि इसे कोई कवि को उन्मत्त ही समझे तो ये उसका दुराग्रह कहा जाएगा। मुझे तो इस सूक्त में तत्कालीन राजाओं की समृद्धि दिख रही है। सभी राजाओं सभी देवताओं को भूरिदा मघवा कहा गया है। मेरा अभिप्राय केवल इतना है कि जिन परिस्थितियों में इतिहासकार एक सबल आधुनिक राज्य के उदय की आवश्यक स्थितियां देखते हैं, वो स्थितियां ऋग्वेद के तथाकथित मूल मंडलों में दिखाई दे रही। इंद्रवृत्त युद्ध में इंद्र रथ पर सवार है, शिरस्त्राणधारी है, कवच से लैस है, एक अनुशासित सेना का सेनापति है, ना कि गौवों की चोरी से भड़की बेकाबू भीड़ का कोई नेता। ऋग्वेद 4:42 में एक राजा अपनी शक्ति और प्रभाव का वर्णन करते हुए क्या कहता है, अहम इंद्र अहम राजा वरुण। इससे किसी अहंकारी की मिथ्या आत्मश्लाघा कहकर तिरस्कृत करना ठीक नहीं है, यह स्पष्ट ही एक विशाल राज्य की परिकल्पना है। वेदकालीन राजव्यवस्था पर अनेक शोधलेख यहाँ प्रस्तुत किए जाने हैं, उनका विशदीकरण वे विद्वान करेंगे। भवतु उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों अर्थात ऋग्वेद के कुल मंडलों के बाद के मंडलों ब्राह्मणों आदि के विषय में तो आधुनिक इतिहासकार भी मानते हैं कि इनमें राज्य आधुनिक राज्य का स्वरूप दिखाई देता है। भारत में राज्य व्यवस्था का विधानात्मक और शास्त्रीय स्वरूप धर्म सूत्रों में मिलने लगता है। यह वह काल है जब पूर्व ग्रंथों में परोक्षतः उल्लिखित सामग्री से उठने वाले नए प्रश्नों और नई स्थितियों का विवेचन किया गया और उन्हें एक तर्क संगत और व्यवस्थित रूप प्रदान करके शास्त्र की उद्भावना की गई। किंतु सभी मुख्य सूत्रों में राजनीतिक संगठन न्याय अति संक्षिप्त रूप में है। आपस्तंभी धर्म सूत्र में प्रशासन शास्त्र का स्पर्श मात्र है। द्वितीय प्रश्न की 25वीं खंडिका के आरंभ में लेखक कहता है, व्याख्याता सर्ववर्णानां धर्मः राज्यस्तु
विश्लेषण व्याख्यास्यामः। आपस में हमने पहले राजधानी की स्थापना की चर्चा की, सुरक्षा के कुछ नियम दिए और राजा के लिए नित्य यज्ञ आदि करने का उल्लेख किया, बस इतना ही उसकी चर्चा है। तदंतर प्रशासन का एक महत्वपूर्ण सूत्र दिया है राजा के लिए आपस्तंभ ने कि प्रजा को रोग भूख सर्दी गर्मी से बचाने का राजदायित्व तो राजा का है। न चास्य विषये क्षुधा रोगेण हिमातपाभ्याम, सर्दी गर्मी से न अवसीदेत, कोई कष्ट न पाए। अभावात कमी के कारण किसी चीज की, बुद्धिपूर्वम वा या राजा की किसी छलकपट के कारण। शासन व्यवस्था के अंतर्गत द्यूत वृत्त आदि पर शासकीय नियंत्रण और शुल्क ग्रहण के भी कुछ सूत्र हैं। उसके बाद बहुत सारा प्रसंग न्याय व्यवस्था का है। गौतम धर्म सूत्र में राजा के कर्तव्य पृथक अध्याय में है, संक्षेप में है। वाधायन धर्म सूत्र में राजनीति का और न्याय का स्पर्श बहुत कम है। विष्णु सूत्र इस विषय में बड़ा महत्वपूर्ण है। विष्णु धर्म सूत्र में 15 प्रकरणों और 600 सूत्रों में राजनीति के सिद्धांतों और न्याय व्यवस्था की सामग्री है। यहाँ पहली बार सप्तांग राज्य का सिद्धांत मिलता है। लेखक नामतः उन 7 प्रकृतियों का उल्लेख कर रहा है। स्वाम्यवाद्यादि राजधानी के लिए उपयुक्त स्थान, नाना प्रकार के दुर्ग ग्रामों का प्रशासन, कर प्रणाली, षडगुण उपाय चतुष्टय, गुप्तचरों की नियुक्ति, युद्ध के लिए प्रयाण का काल आदि ऐसे अनेक विषयों की यहाँ पर चर्चा है जो कालांतर में तथा कथित राजशास्त्र के ग्रंथों के स्वतंत्र विषय बने। सूत्रों के बाद पद्यात्मक मनुस्मृति आदि स्मृति ग्रंथों में सप्तांग सिद्धांत, षडगुण, 4 उपाय आदि का विस्तृत निरूपण किया गया है। प्राचीन भारत में राजशास्त्र की 2 धाराएं चली हैं। धर्म सूत्रों में राजशासन का शास्त्रीय रूप प्रथमतया प्राप्त होता है। पहले यज्ञ और यज्ञ फल के अनिवार्य संबंध को वैदिक वैश्विक ऋत से जोड़ा गया, फिर ऋत से धर्म का विकास हुआ और फिर धर्म और यज्ञ की तुलना, धर्म यज्ञ की तुलना में एक अधिक व्यापक विधि व्यवस्था थी। उसमें नाना वैयक्तिक और सामाजिक संदर्भों में सब मनुष्य के कार्यों अकार्यों का विधान किया गया। अतः राजधर्म पहले धर्म का अंग बनकर हमारे देश में उभरा है। तदनंतर राजधर्म ही दंड नीति या नीति शास्त्र के रूप में स्वतंत्र ग्रंथ शास्त्र बना। बीच के कुछ समय अर्थशास्त्र के नाम से यह विद्या चली, जिसमें अर्थ के उपार्जन, संरक्षण, संवर्धन और प्रयोग के नियमों का विकास किया गया। यह व्यवस्था विशेष रूप से राजाओं के लिए थी। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अतिरिक्त इस विद्या के कई आरंभिक काल के ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं है। शीघ्र ही धर्मशास्त्र ने अर्थशास्त्र को राजधर्म के रूप में अपने भीतर समाहित कर लिया। पूरे समाज की व्यवस्था को वर्णाश्रम के ढांचे में लाते हुए आश्रम धर्म के अंतर्गत क्षत्रिय गृहस्थ के धर्म के प्रकरणों में राजधर्म को स्थान दिया गया। धर्मशास्त्र ने जब राजशास्त्र को अपने भीतर समाहित कर लिया, तभी इतिहास पुराण परंपरा ने इसमें इसे स्थान दिया। महाभारत में अनेक पर्वों में, अनेक प्रसंगों में धर्मशास्त्र के प्रसंगों का, राजशास्त्र के प्रसंगों का उल्लेख है, मैं उसको छोड़ रहा हूँ। लगभग कुछ और ग्रंथ हैं जो बाद के, जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ, उनमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ केवल आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। लगभग 4वीं ईस्वी शती में विरचित कामंदकीय नीति शास्त्र काल के विषय में विवाद हो सकता है। 19 अध्यायों में पद्यात्मक शैली में राजशास्त्र का प्रतिपादन किया गया है। राजपुत्रों की शिक्षा दीक्षा, आत्मानुशासन आदि की चर्चा के बाद लेखक ने मंत्रियों और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, प्रकृति, मंडल आदि राजशास्त्र के विषयों पर विस्तार से लिखा है। इसी कुछ मार्मिक बातों का उल्लेख करना संगत होगा। कामंदक कहते हैं कि न्याय करते समय लोक और शास्त्र दोनों का ध्यान रखना चाहिए। लोक शास्त्रानुगो नेयो दंडः अनुद्वेजनः श्रेयः। राज वही दंड व्यवस्था उचित है, राजपाल परम प्रजा के कल्याण के लिए है, जो लोक और शास्त्र दोनों का अनुसरण करती है और किसी का उद्वेजन नहीं करती, किसी को उत्तेजित और संतप्त नहीं करती। 6 प्रकरण में पंचम पद में कामंदक कहते हैं कि राजा के लिए पीड़ितों और असहायों के अश्रु पोंछना आवश्यक है। पीड़िता नाम अनाथा नाम कुर्यात अश्रु प्रमार्जनम। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के विषय में सब अपना अपना हित देखते हैं, सच्चा मध्यस्थ कोई नहीं, ये रहस्य उस समय कामंदक ने बताया जबकि आज हम सारे में ढूंढ रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से और चीन से कौन बचाएगा। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सब अपना अपना हित देखते हैं। अगर हम किसी राष्ट्र पर निर्भर करना चाहें तो वो पर निर्भरता हमारे देश के लिए सारी नहीं, ये हुआ तब कह रहे हैं।
आकीर्णम मंडलम सर्वम मित्र ही अरिमिरेव च सर्व स्वार्थ परो लोक। जितने राजमंडल के आपके सदस्य हैं, जितने विश्व में देश हैं, सब अपना अपना स्वार्थ देख रहे हैं। और ये तो खुल्लम खुल्ला कहा जाता है कि उत्तम विदेश नीति क्या है, जिससे अपने देश का सर्वाधिक हित हो। इसलिए अगर पाकिस्तान हमारा अहित कर रहा है तो अपना तो हित कर ही रहा। अगर अमेरिका कश्मीर के हमारे पाकिस्तान कश्मीर में अपना सड़कें बना रहा है तो अपना तो हित कर ही रहा है। शुक्र नीति में राज्य के सात अंगों के पारंपरिक निरूपण के साथ प्रशासन से जुड़े अनेक सूक्ष्म नियम भी दिए गए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो अन्य शास्त्रों में कम मिलेगा। उदाहरण के लिए शासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की चर्चा तो मिलेगी, पदोन्नति, स्थानांतरण, ट्रांसफर, सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट, दैनंदिन प्रशासन के यथार्थ रूप को प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर मैं फिर एक उसी डेविड डेविस की लेटेस्ट पुस्तक का ध्यान दिलाती और ध्यान दे, ये तो सब बैठ के घूमने स्कॉलर्स थे, स्कॉलरशिप की बातें हैं, ये व्यावहारिक ग्रंथ नहीं। एक निरंतर एक लंबी परंपरा इस बात की चल रही है। लेकिन क्या वो घर में बैठकर ट्रांसफर भी सोच रहे थे? वो घर में बैठे बैठे पदोन्नति भी सोच रहे थे? वो घर में बैठे बैठे डिसिप्लिनरी एक्शन कैसे लिया जाएगा, कमिटी कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, सब घर में बैठे बैठे कर रहे थे? ये बात कम से कम मुझे हजम नहीं होती। प्राय लोगों के मन में एक बड़ी रोचक शंका उठती है कि आनुवंशिक राजतंत्र में मंत्री आदि की कोई शक्ति नहीं हो सकती, उस व्यवस्था का तो सारा केंद्र राजा है, तो भला अंत सब अधिकारी क्या करेंगे? तो राजतंत्र में मंत्रियों और सचिवों और अधिकारियों की क्या स्थिति होनी चाहिए? बड़ी महत्वपूर्ण बात शुभ नीति में कही गई है। तो कहता है, न विभेति नृपो येभ्यः तहि स्यात् किं राज्यवर्धनम्। जिन अधिकारी और मंत्रियों से राजा नहीं डरता, वो अधिकारी मंत्री राज्य का कुछ भला नहीं कर सकते। यदि राजा को डरना चाहिए, उल्टी बात नहीं है। इससे हम क्या संकेत निकालेंगे कि मंत्री ऐसे होने चाहिए, योग्य हो, अपने शास्त्र में विद्वान हो, उनका समाज में टंका बचता हो, तब न जाकर राजा उनसे डरेगा। इसलिए वो मूर्ख राजा होगा जो बिल्कुल बिना रीढ़ की हड्डी वाले लोगों को अपने चारों तरफ जमा करेगा। ऐसी और बहुत सी चीजें हैं। दसवीं सदी के कर्नाटक में सुमदेव सूरी द्वारा रचित नीति वाक्यामृत में राज्य की संरचना के सात अंगों की चर्चा इत्यादि और कई इसमें प्रसंग हैं। कुछ एक आध रोचक बात बस केवल आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। कई ग्रंथों में मिल रहा है कि राजा का मंत्री केवल ब्राह्मण होना चाहिए इत्यादि इत्यादि जाति विषय आग्रह दुराग्रह दिखाई देते हैं। ये सोमदेव सूरी क्या कहते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रियों को मंत्री बनाए, क्यों ने बनाए? ब्राह्मण जाति वशात सिद्धम अपि अर्थम कृच्छेण यच्छति। ब्राह्मण को जो धन किसी प्रकार से राज्य की ओर से या कलेक्शन में रेवेन्यू में प्राप्त होगा, वो सोचोगे तू मेरा दे दे। तो ब्राह्मण जाति वशात सिद्धम अपि अर्थम कृच्छेण यच्छति और न प्रयच्छति वह देता है, बड़ी मुश्किल से देगा नहीं देगा। और क्षत्रिय खटियों में छेद, क्षत्रिय बात बात में तलवार, तो ये उनकी अपनी बात है। करप्शन के बारे में शंका उन्होंने वकील ने बहुत अच्छा बड़ी सुंदर उपमा दी, ये बड़ी सुंदर उपमा दे रहे सोमदेव सूरी। कहते हैं सरकारी अधिकारियों पर विश्वास करने का ये मतलब है कि बिल्ली को दूध की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। तो माल जानेषु दुग्ध रक्षणम् नियोगिषु विश्वास करणम्। एक बहुत रोचक बात और कहते हैं वो कि थ्योरी से कुछ नहीं होने वाला, व्यवहार चाहिए। आपने बहुत अच्छी युद्ध की ग्रंथ पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, उससे युद्ध नहीं होगा। न शास्त्र शिक्षा क्रमेण योद्धव्यम् किंतु पर प्रहाराभिप्रायेण। शास्त्र में ऐसा लिखा, थ्योरी में ऐसा लिखा, ऐसे युद्ध करना चाहिए, उससे काम नहीं होगा। फिर कुछ इंस्क्रिप्शंस की चर्चा की, उसको मैं छोड़ रहा हूँ। अब मैं सीधा अपने आधुनिक दृष्टि से इसकी चर्चा कुछ को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के कई प्रमेयों का आज के समानता और न्याय पर आधारित लोकतंत्र में भी बहुत महत्व है। कुछ पर मैं देना चाहता हूँ। सांस्थानिक व्यवस्थाओं के साथ चरित्र पर जोर, ये पहला बिंदु है मेरा। इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ इंडिविजुअल के कैरेक्टर पर चरित्र पर बहुत जोर दिया गया। आज हम देख रहे हैं एक श्रेष्ठ संविधान होने पर भी हमारे देश की व्यवस्थाएं चरमरा रही है। प्रशासन भ्रष्टाचार और कदाचार में ग्रस्त है। कुछ अपवादों को छोड़कर सरकार जिस काम में हाथ डालती है वही बुरी तरह विफल होता है। हम इस स्थिति को सुधारने के लिए और कठोर व्यवस्थाएं बनाते हैं तो
तो भी उनमें विकार उत्पन्न करने वाले नए रास्ते खोज लेते हैं। प्राचीन विचारकों ने समझ लिया था कि जब तक उच्चतम पद पर आसीन राजा का चरित्र ठीक न होगा तब तक प्रशासन को ठीक नहीं किया जा सकता। अतः अर्थशास्त्र कहता है राज्य मूलम इंद्रियजय। राजा को शराब पीने, जुआ खेलने, आखेट आदि क्रियाओं से बचने को कहा गया है। उसके लिए अत्यंत कठोर दिनचर्या का प्रतिपादन किया गया है। विलासिता के लिए कोई अवकाश नहीं छोड़ा गया। कामंतक ने राजा के लिए आवश्यक गुणों की लंबी सूची दी है। दया, करुणा, मनोहारिणी वाणी, देव पूजा, गुरु पूजा, वृत्तियों पर दाक्षिण्य, उनके प्रति एक बड़ा सिंपैथेटिक व्यवहार, अनिंदा, सहिष्णुता, अमत्सर आदि, तो नैतिकता पर बहुत विशेष जोर है। और अगर आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र देखें, चाहे कामंतक देखें, कई सेक्शंस आफ्टर सेक्शंस केवल राजा के व्यक्तिगत चरित्र को सुधारने के लिए वो दिए गए हैं। बौद्धिक गुण भी राजा में उत्पन्न करने, तरह तरह की विद्याओं का उपार्जन करना है, लेकिन उन विद्याओं, बौद्धिक विद्याओं के साथ साथ चरित्र पर बहुत जोर है। फिर प्रशासन का प्रशिक्षण। आज हम अशिक्षित अप्रशिक्षित लोगों को प्रशासनिक पद पर बिठा देते हैं, अतः कार्य में अकुशलता सरकार को ग्रस रही है। अगर हम विनयाधिकरणों से, जो मैंने अभी संकेत किया, कौटिल्य में, कामंतक में, ये शिक्षा लें कि अधिकारियों और मंत्रियों में उनके विभागों के लिए आवश्यक योग्यता हो और उनका समय समय पर प्रशिक्षण किया जाए। अधिकारियों की परीक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज परीक्षा के नाम पर तोता रटंत विधि से अधिकारियों का चयन होता है। उनकी वास्तविक योग्यता और चारित्रिक शुद्धि पर ध्यान नहीं दिया जाता। यही कारण है कि आईएएस जैसी परीक्षा देने वाले कई लोग निशंक होकर कहते हैं कि हम तो रिश्वत खाने के लिए आईएएस अफसर बनना चाहते हैं। प्राचीन राजशास्त्र में उच्चाधिकारियों की नियुक्ति में उनके बौद्धिक गुणों के साथ साथ गुप्तचरों के माध्यम से उनके चारित्रिक और भावनात्मक गुणों की भी परीक्षा ली जाती थी। आज मात्र औपचारिकता वश पुलिस जांच होती है और पुलिस की रिपोर्ट की विश्वसनीयता कितनी है ये आप सब जानते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा मुझे लगता है। भारतीय राजशास्त्र में ग्राम के स्तर तक सत्ता का विकेंद्रीकरण होता था। आज की सरकारें जीवन के हर क्षेत्र में हस्तक्षेप करके आम आदमी की जान दुभर कर हुए हैं। उनकी उपेक्षा वृत्ति से नहीं, भ्रष्टाचार से नहीं, तो अकुशलता से आम आदमी त्रस्त है। वर्तमान संविधान ने समाज के, ये विषय मैं विद्वानों के समक्ष विशेष रूप से प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसको मैं दूसरे रूप में और लूंगा। आज वर्तमान संविधान ने समाज के अन्य सभी घटकों के अधिकार छीन कर अपने हाथ में लिए। परिवार, मोहल्ला, गांव सब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधीन हो गए हैं। संकेत समझिए मैं कहा जा रहा हूँ। सरकारें लोगों को बता रही है कि वो कैसे जिएं, क्या खाएं, क्या पढ़ें। कहीं दूर केंद्र में बैठे हुए लोग विद्यालयों का पाठ्यक्रम बनाते हैं और हम वही पढ़ने पढ़ाने को बाध्य हो जाते हैं। प्राचीन शास्त्र में वेद की महत्ता होने पर भी कुलों, ग्रामों, जातियों और श्रेणियों को अपने अपने ढंग से जीने का अधिकार प्राप्त था। राजा लोगों के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करता था। प्रशासन की समग्रता। आज प्रशासन के एक अंग को ये नहीं पता होता कि दूसरा क्या कर रहा है। विदेश मंत्रालय में बैठे अधिकारी को शिक्षा या स्वास्थ्य अर्थनीति से कोई सरोकार नहीं, किंतु स्मरणीय है कि राष्ट्र एक है, राष्ट्र सरकारी विभागों में विभक्त नहीं है। प्राचीन शास्त्र में विदेश नीति के संदर्भ में कहा गया है कि राज्य के सातों अंगों को सुदृढ़ रखकर ही शत्रु का सामना किया जा सकता है। अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किए बिना, अपने समाज में विद्यमान भेदों को मिटाए बिना हमारा राष्ट्र सबल नहीं हो सकता। आज भारत शत्रुओं के जाल में फंसा है, क्योंकि भाषा, धर्म, जाति, प्रदेश के नाम पर फूट डालकर देश को निर्बल बना रहे हैं लोग। अतः सभी प्रशासनिक इकाइयों में समन्वय और सामंजस्य हो, यह प्राचीन चिंतन बड़ी की एक बड़ी सीख है। कामंतक के सप्तम प्रकरण का एक पहला पद है जो बड़ा स्मरणीय है। स्वामी अमात्यश्च राष्ट्रम च दुर्गम कोशो बलम सुहृत, सातों का नाम गिन लिया। अगली पंक्ति सुनिए, परस्परोपकारी। ये चारों, सातों के सातों परस्पर उपकारी हैं, तब राज्य सत्तांग होता है। एकांगेनापि विकलम एतत् साधुन वर्तते। अगर राज्य का एक भी अंग विकल होगा तो राज्य समृद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए शब्द दे रहा है, तस्य सामग्र्यम अन्विच्छत्, उसकी समग्रता को चाहता हुआ राजा कुशलता पूर्वक शासन करे। इसी बात को विदेश नीति की अखंडता से जोड़ा जा सकता है।
आतंकवाद का मुकाबला कैसे करें, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने है। इस पर थोड़ा सा विचार मैंने देखा, इसमें पहले पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादी अन्य देशों से आते थे और हम कह देते थे कि कश्मीर में आतंकवाद पाकिस्तान द्वारा एक्सपोर्टेड है, निर्यातित है। अब पाकिस्तान ने पिछले कुछ समय से अपनी रणनीति बदलकर स्थानीय कश्मीरी युवकों को अपना मोहरा बनाया है, इसलिए स्थानीय युवकों पर जब हम पुलिस एक्शन होता है उन पर लाठी बरसती है या वो मारे जाते हैं तो जनता बहुत भड़कती है। ऐसे में व्यापक स्तर पर हिंसा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यहाँ प्राचीन राजनीतिक चिंतन का एक सिद्धांत हमारे बहुत काम आ सकता है। मनु ने देश विरोधी शक्तियों का मुकाबला करने की बड़ी उत्तम नीति बताई है, यथोद्धरति निर्दाता कक्षम धान्यम च रक्षति तथा रक्षे नृपो राष्ट्रम अन्याच्च परिपंथिनः। अर्थात अगर आप देखें, माली या किसान जब खेत में से क्यारी में से बीज निकालता है, खरपतवार निकालता है, वो खरपतवार पौधे की जड़ में जुड़ी होती है, लेकिन वो मूर्ख राजा होगा, वो मूर्ख किसान होगा जो पूरे खरपतवार को निकालने के लिए ट्रैक्टर ही चला दे। इसलिए क्या करना है, बहुत सावधानी के साथ पौधे की जड़ में से खरपतवार की जड़ को निकालकर फेंकना है, लेकिन अपने जो स्वस्थ पौधे हैं उनको बचाकर रखना है। इसलिए निरपराधों को मारने से नए शत्रु उत्पन्न होते हैं, इसके लिए चाप चौबंद गुप्तचर तंत्र आवश्यक है। यह प्रशासन की विफलता है कि हम अधिकतर सूचना एकत्र करने के लिए उस स्थानीय पुलिस पर निर्भर करते हैं जो स्वयं आक्रमणीय हो चुकी है। स्थानीय स्तर पर गुप्तचर सूचना एकत्र करने के लिए एक अलग ही तंत्र होना चाहिए। एक बिंदु राष्ट्रभक्ति। प्राचीन राजशास्त्र में राजा पूरे तंत्र की केंद्र की धुरी था, उसमें उसके प्रति स्वामी भक्ति एक सर्वातिशायी मूल्य था। सेवक स्वामी के लिए प्राण तक न्यौछावर कर देते थे। आज सरकारों का स्वरूप भिन्न है, लोकतंत्र में व्यक्ति पूजा का स्थान भी नहीं है, अतः हमारी समझ में नहीं आता हम किसके प्रति निष्ठा रखें। भक्ति या निष्ठा मन को बहुत शक्ति देती है, अतः पहले की स्वामी भक्ति से शिक्षा लेकर राष्ट्रभक्ति को एक महनीय मूल्य के रूप में स्थापित करना परम आवश्यक है। आज हमारे देश में देश प्रेम का उपहास हो रहा है, निंदा की जा रही है, ये अत्यंत घातक प्रवृत्ति है। कुछ लोग अंतर्राष्ट्रीयता और वैश्वीकरण के नाम पर देश प्रेम की अवधारणा को नकार रहे हैं, पर उन्हें यह समझाना आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर देश अपना लाभ देखता है। जो लोग अमेरिका को आव्रजकों का देश कहते थे, आज वही समझ रहे हैं कि आज अमेरिका आव्रजकों पर नाना प्रकार के प्रतिबंध लगा रहा है, क्योंकि उसे भी अब आव्रजन उसके अनुकूल नहीं रहा है। राज्य समाज और धर्म में समन्वय, ये अंतिम बिंदु है। आज हम तीन तलाक, सगोत्र विवाह, शबरीमाला के संदर्भ में राज्य और समाज के बीच बढ़ते विवाद को देख रहे हैं। कई लोग पूछ रहे हैं, क्या प्रशासन को धर्म और समाज के आस्था के मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए? भारतीय राजशास्त्र में राज्य और समाज, राज्य और धर्म, समाज और धर्म के मध्य अनेक संघर्षों के संकेत और समाधान दिए गए हैं। समाज की बदलती स्थितियों में धर्म की परिभाषाएं बदलती हैं, अतः कभी राज्य की तो कभी धर्म की तो कभी सामाजिक संगठनों की वरीयता स्वीकार की गई है। समाज के श्रुति स्मृति विरुद्ध रीति रिवाजों को निरस्त करने का अधिकार राजा को दिया गया है, श्रुति स्मृति विरुद्ध भी, क्योंकि प्राचीन समय में श्रुति और स्मृति सबसे बड़ा प्रमाण थी। पहले संविधान नहीं था तो भी समाज की पूर्व व्यवस्थाओं का निराकरण किया जाता था। काल बाह्यता आदि तर्कों के आधार पर नियोग, गोमांस भक्षण, सती, ज्येष्ठ पुत्र को सारी संपत्ति देने जैसी परंपराओं को निरस्त किया गया है। सती के विरुद्ध तो पहली आवाज वॉरेन हेस्टिंग्स ने नहीं उठाई। 12वीं सदी में विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर अपने भाष्य में सती समर्थकों की जमकर धज्जियां उड़ाई। आज संविधान सबसे बड़ा है, इस दृष्टि से सबरीमाला प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की समीक्षा की जा सकती है। यदि 10 से 50 वर्ष की महिलाओं को मंदिर में जाने से रोकने से संविधान की मूल आस्था खंडित होती है तो निश्चित रूप से प्रशासन इस व्यवस्था को समाप्त कर सकता है, यह निश्चित है। किंतु इससे एक प्रश्न और उठता है कि क्या संविधान हिंदू या इस्लाम या किसी अन्य धर्म की मूलभूत मान्यताओं और उन समाजों की उनकी परंपराओं से बड़ा है? इसका उत्तर याज्ञवल्क्य छुट्टी में मिला है। याज्ञवल्क्य ने एक अत्यंत क्रांतिकारी नियम दिया है कि यदि लोग किसी शास्त्रोक्त नियम से द्वेष करें तो उसका क्रियान्वयन नहीं होना चाहिए। अस्वर्गीयम लोक विद्विष्टम धर्ममा प्याचरे नतु। यदि स्त्रियों के अधिकारों के प्रति नई चेतना के कारण कोई पुरानी परंपरा द्वेष्य हो गई है तो उसका निराकरण किया जा सकता है, किंतु वह परंपरा द्वेष्य है नहीं है, किसे उससे द्वेष है, किसे
जो स्टेप रेच नहीं है ये भी निर्णय करना, ये भी फैसला करना आवश्यक है। कुछ लोगों को दुहाई देने के कारण किसी परंपरा की द्वेषता, किसी कुछ लोगों के द्वारा दुहाई देने से किसी परंपरा की द्वेषता सिद्ध नहीं हो जाती, पर निर्णय कौन करेगा ये विषय स्पष्ट है भारतीय धर्मशास्त्र में। कि आधुनिक भारत में ये स्पष्ट है कि सभी विवादों का अंततः समाधान करने की शक्ति या तो संसद के पास है या उच्चतम न्यायालय के पास है। यदि सरकार को लगता है कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय लोगों की भावना के अनुरूप नहीं है तो अध्यादेश जारी करके उसे पलट सकती है, संविधान कानून पारित करके उच्चतम न्यायालय के निर्णय को पलट सकता है। वैसे राजाओं को पुनः पुनः निर्देश दिया गया है कि वो कुलों, जातियों, श्रेणियों के धर्म के अनुसार न्याय करे तथा प्रजा पर अपने नियम न थोपे। इन नियमों में कहीं ना कहीं अंतर विरोध दिखाई देता है। अंततः हर मुद्दा राजनीतिक मुद्दा है। जब लोगों में परस्पर इतना विरोध हो तो भी लोगों को सड़क पे लड़ने की छूट हम नहीं दे सकते। राजा को ही हमारे सिद्धांत में, हमारे संविधान में उच्चतम न्यायालय को ही हर विपक्ष विपक्ष का आकलन करके कोई निर्णय करना है। इस प्रकार अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के समाज में ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिनका समाधान पाने के लिए हमें प्राचीन राजशास्त्र की शरण में जाना पड़ेगा। अतः यह शास्त्र अभी हमारे देश के लिए बहुत प्रासंगिक है। धन्यवाद।